हरे कृष्णा हरि बोल, बस बस पढ़ो परे ऊपर ही। हरे कृष्णा हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ, हरि बोल। इधर आ जाओ, पास में आ जाओ। हाँ, अभी हम जहाँ पर आए हैं, ये स्थान का नाम है गलता गति। क्या नाम है? गलता गति। गलता गति मतलब यहाँ पर हम अभी ऊपर जाएंगे, वहां पर एक गालब्य ऋषि थे, जिस ऋषि का नाम था गालब्य ऋषि। इन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों को उन्होंने कठोर तपस्या की। जब तपस्या की तब ये तीनों देवता प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हारे मन में क्या इच्छा, चाहते हो क्या? कहाँ जा रहे हो? ज्यादा घूमने की इच्छा ना? इनका पैर में चक्का है लगता है। हरे कृष्ण। इसलिए उन्होंने पूछे, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, तुम्हें वरदान क्या चाहिए? बोले हम चाहते हैं यहाँ पर स्वयं माता गंगा जी प्रकट हो, लोग गंगा स्नान करे। और गंगा की, गंगा तो यहाँ है नहीं, बहुत दूर यहाँ से गंगा है। गंगा आसपास में कहीं नहीं, 1000 किलोमीटर जाओगे फिर गंगा दर्शन होगा। तो उन्होंने बोले हम चाहते हैं यहाँ पर गंगा जी प्रकट हो और सब लोग गंगा स्नान करे और उनका पुण्य हो। गंगा में स्नान करने से सारे पाप हमारी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए गालब ऋषि यहाँ पर कठोर तपस्या की, इसलिए उनका नाम से ये स्थान का नाम है गलता। इसलिए गालब से ये गलता गति नाम पड़ा है। इसलिए अभी हम लोग जाएंगे, अभी जहाँ पर गंगा स्वयं प्रकट हुई है, वो ऋषि ने तपस्या करके, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं और गालब ऋषि वहां पर है ऊपर में। ऊपर में हम जाकर के दर्शन करेंगे गालब ऋषि। और ये महीना का नाम क्या है? राधा दामोदर व्रत है। हम लोग ने जो जो मंदिर दर्शन किया है ना, जो ठाकुर जी को दर्शन किया, बड़े दुर्लभ ठाकुर दर्शन किया है। पहले तो गोविंद देव को दर्शन किया। गोविंद देव क्या है बताओ? गोविंद देव कौन थे? कौन बोला? कृष्ण का। इतना इतना पंडित होकर क्या करें? क्या तुम लोग कथा नहीं सुने वहां पर? गोविंद देव कौन है? गोविंद देव को किसने प्रकट किया? इसलिए अब थे नहीं ना साथ में, इसलिए हरी कथा छोड़ते रहे, पर ना सब लोग दर्शन करने से इसका यही फल होता है। इसलिए जितना दर्शन में रुचि होती है, उससे ज्यादा रुचि होनी चाहिए हरी कथा में। क्योंकि हरी कथा में स्नान करने से कहते सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्रा जथा चुतादर कथा भसन। कहते जहां पर भगवान की कथा होती है, अगर ये कथा रूपी गंगा में कोई गोता लगा लेना, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है और सारे तीर्थ में स्नान हो जाता है, सारे तीर्थ में। अब लोग हरिद्वार गए होंगे, हरिद्वार में वहां पर हरी की प्यारी है, हरी की पौड़ी, हरी की पौड़ी। अब देखना वहां पर लिखा हुआ सावधान, अंदर में ज्यादा गहरा पानी है। अगर ज्यादा थोड़ी अंदर में उतर जाओगे ना, डुबकी लगाओ तो क्या होगा? बह जाओगे, पूरा डूब ही जाओगे। लेकिन अगर कथा रूपी गंगा में जो जितने डूब सकते हैं, गंगा का पानी में डूब लगो तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? मर जाओगे। लेकिन कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाओगे तो तर जाओगे। इसलिए कहते कथा रूपी गंगा में जो जितने डुबकी लगा सकता है, उसको उतना ही कल्याण कल्याण है। इसलिए हम लोगों ने पहले गोविंद देव दर्शन किया, जिसको माता उत्तरा ने जिस ठाकुर जी को प्रकट किया है। ये गोविंद देव दर्शन करने से कृष्ण का मुखारविंद दर्शन करने का फल मिलता है। कृष्ण का मुख कमल दर्शन करने से जो फल है, कहते वही फल है श्री गोविंद देव को दर्शन करने से, वही फल मिलेगा। उसको बाद में क्या दर्शन किया? राधा गोपीनाथ, उनको दर्शन करने से क्या फल मिलेगा? बक्षस्थल, क्योंकि गोपीनाथ बक्षस्थल है। उसके बाद में कहाँ गए? राधा विनोद गए। कहते श्री लोकनाथ दास गोस्वामी का ये सेवित विग्रह है।
जो कि साक्षात रूप में उनको साथ में बात करते थे, हैं? इसलिए जब उन्होंने ठाकुर जी का जब उन्होंने प्रकट किया, ठाकुर जी बोले मैं बड़े दिनों से ये पानी में पड़ा हुआ था, मेरे को बड़ी भूख लग रहा है, कुछ खाना खिलाओ। जब उन्होंने खाना बनाए, बोले तुमने तो चटनी बनाया नहीं, कोई चटपटी चीज होनी चाहिए ना, चटपटी चीज, तुमने कोई चटनी नहीं बनाया। तो उन्होंने इमली पता के उन्होंने चटनी बना दी। ठाकुर जी चकाचक भोजन कर लिए, बोले बड़े दिन से मैंने सो नहीं पाया, मेरे लिए कुछ बिस्तरा की व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके उन्होंने बिस्तरा बना दी, ठाकुर जी का शयन कराया। बोले प्यार में दर्द हो रहा है, थोड़ा प्यार दबा दो। तो उन्होंने थोड़ा प्यार दबा दी, बोले प्यार दबाने से काम चलेगा, मेरे को गर्मी लग रहा है, थोड़ा तो पंखा तो झुलाओ। तो उन्होंने कोमल कोमल पत्ते ला करके ठाकुर जी को उन्होंने पंखा भी ठाकुर जी को झुलाए, हैं? इसलिए वो साक्षात रूप में उनको साथ में ये बात करते थे। हम कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं और मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं बोले सबरी की जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे अगर भक्त बने ना, ठाकुर जी हमारा लिए सब कुछ ठाकुर जी करते हैं। इसलिए हम लोग राधा विनोद देखा, उसके बाद में कौन सा ठाकुर को देखे हो? देखो इसी जो महीना है ना, ये महीना का नाम है राधा दामोदर महीना है, हैं? कहते इसी महीना में ये जो ठाकुर दर्शन किया ना, यही मूल दामोदर है। ये ठाकुर जी को श्री रूप गोस्वामी ने अपना हाथों से ये ठाकुर जी को बनाया, और उन्होंने दिया था श्री जीव गोस्वामी को, ये ठाकुर जी दिए, हैं? जीव गोस्वामी को ये ठाकुर जी दिए। इसलिए इसी महीना की जो सबसे ज्यादा महत्व है, कहते ये राधा दामोदर को जो दर्शन कर लिया ना, बस तुम्हारे सब दर्शन करने का फल मिल गया, क्योंकि इसी ठाकुर जी के नाम के ऊपर में ये महीना का नाम क्या पड़ा, राधा दामोदर, इसलिए नाम पड़ा ये ठाकुर जी के नाम से। इसलिए इसी महीना में ये ठाकुर जी को दर्शन करने का विशेष विशेष महत्व है, इसी महीना में दर्शन करने का। इसलिए आप लोगों ने फिर इसी महीना में चार महीना जो पालन किया, अच्छी बात है। अगर इतना नहीं कर पाए, अगर कोई एक महीना व्रत कार्तिक महीना को कोई व्रत पालन कर लिया ना, उसका फल मिल जाएगा। अगर उतना कोई नहीं किया, अभी जो भीष्म पंचकम आया है, ये जो पांच दिन है, हैं? उड़िया में कहते पंचुक कहती, तो ये पांच दिन अगर कोई ठीक ठीक से व्रत को पालन कर लिया ना, उसको चार महीना व्रत करने का फल मिल जाएगा। इसलिए जो भीष्म पंचकम है, और इसी भीष्म पंचकम में आप लोग कहाँ पर आए हो? जयपुर आए, जयपुर आप लोग आए हो। जितने हमारे मूल ठाकुर है सब यहीं पर है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा माधव राधा दामोदर राधा विनोद, सब ठाकुर यहीं पर है। इसलिए आप लोग बड़े बड़े सौभाग्यवान जो कि इसी महीना में यहाँ पर आए हो। और यहाँ पर एक विशेष बात हुई है, यहीं पर हैं कहते हमारे श्री रामानंदी संप्रदाय में कुछ साधु लोग थे, उन लोगों ने एक प्रश्न उठाया, बोले भैया कृष्ण को साथ में ये राधा रानी क्यों रखे हो? हमारी हिंदू संस्कृत कहता है पति को पास में केवल पत्नी रह सकती है, बगैर शादी के अगर आप किसी दूसरी लड़की को साथ में रखोगे, दुनिया स्वीकार करेगा, उसको व्यभिचारी मानी जाएगी। बोले राधा रानी को साथ में कृष्ण का तो शादी नहीं हुई, शादी तो उनकी रुक्मिणी सत्यभामा को साथ में हुई, पर ये गोविंद देव को पास साथ में ये राधा रानी क्यों रखे? इसलिए राधा रानी को हटाओ यहाँ से, रुक्मिणी सत्यभामा को रखो। दूसरा प्रश्न किया, जे तुम लोग पहले यहाँ कृष्ण पूजा करते हो, उसको बाद में राम को, उसको बाद में फिर नारायण को करते हो, कृष्ण तो द्वापर युग में आए, भगवान नारायण कब आए? वो तो अनादि, उनका जन्म नहीं। राम कब आए? तृतीया युग में आए। राम तृतीया युग में आए, फिर तुम लोग ये कृष्ण पूजा पहले क्यों करते, जो बाद में आया? इसलिए कोई कोई लोग है ना,
वो हरे कृष्ण से नहीं करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। कोई कोई प्रथम राम राम से शुरू करते हैं, वो कृष्ण कृष्ण से नहीं राम राम से शुरू करते। क्यों? बोले राम तृतीया युग में और कृष्ण द्वापर युग में, कृष्ण छोटे और राम बड़े हैं। इसलिए इस प्रश्न किया तो राजा तो इतना शास्त्र ग्रंथ पढ़ता नहीं, वो तो बड़ी चिंता में पड़ गया, अब कुछ आंसर नहीं दे पाया। फिर उन्होंने श्री वृंदावन में खबर भेजी, फिर वृंदावन से श्रील श्री हमारे संप्रदाय में एक बलदेव विद्याभूषण प्रभु हुए हैं, जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु यहीं पर आए और उनको साथ में बैठ करके एक स्थान है, एक स्थान है ऊपर में सर उधर एक स्थान है, हम दर्शन कराएंगे, जहां पर बैठ करके ये सारे बात उनको अंदर में डिस्कशन हुई है, हैं? इसलिए उन्होंने राधा रानी कृष्ण का नित्य शक्ति है, कहां पर वेदों में, कहां पुराण में, कहां उपनिषद में राधा जी का नाम कहां पर है, हैं? वेदों में कहां पर राधा कृष्ण के नाम किस रूप में वर्णन किया, उन्होंने ये चीज को स्थापन की है। फिर उन्होंने जो कृष्ण ये मूल है, इसलिए जिसको ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्मा कहते हैं समस्त कारण का जो मूल कारण है ये भगवान श्री कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, इसलिए हमारे वेदों से, गीता से, भागवत से, उन्होंने ये सब पुराण से, ये सब श्लोकों को उठा उठा कर उन्होंने स्थापन किया यहीं पर। फिर उन लोगों ने फिर बताया, देखो तुम्हारे कोई वेदांत सूत्र है ही नहीं, हर संप्रदाय में वेदांत सूत्र होता है, तुम्हारे तो कोई तो वेदांत सूत्र है ही नहीं है। तब उन्होंने बताया, देखो चैतन्य महाप्रभु ने बताए ये जो भागवत ग्रंथ है ये अर्थ है ब्रह्म सूत्र नाम, ये ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ है ये भागवत, इसलिए बताया निगम कल्प तरुर कलितम फलम, निगम मतलब होता है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पक्का हुआ फल ये भागवत है, इसलिए महाप्रभु ने कुछ नहीं बनाया। बोले नहीं, हर संप्रदाय में सूत्र है, हर संप्रदाय में भाष्य, तुम्हारी भाष्य होनी चाहिए। तब उन्होंने बोला ठीक है, हमें 7 दिन दो, जिस गोविंद देव का हम दर्शन करके आए ना, फिर उन्होंने वहीं पर गए, उनसे प्रार्थना की, अपनी आप गोविंद देव के गला से एक माला अपनी आप टूट पड़ा, मतलब गोविंद देव ने आशीर्वाद दिया, बोले कोई चिंता मत करो, केवल तुम पेन को पकड़ो, कलम पकड़ो, हम बताता हूँ और तुम बोल लिखते रहो। उन्होंने 7 दिन को अंदर में यहीं पर उन्होंने बैठ करके इतने सुंदर गोविंद भाष्य उन्होंने लिखा, दूसरे दूसरे संप्रदाय के जो साधु देख करके बड़े आश्चर्य हो गए, इतने आश्चर्य हो गए, वेदांत सूत्र में वो लोग कोई दास्य कहीं शक्कर रस तक दिखाया, लेकिन उन्होंने श्रृंगार रस को दिखाया, इसका नाम है वेदांत, वेद का सार है। बोले वेद का सार क्या? बोले भागवत। बोले भागवत का सार क्या? बोले भागवत का सार है कृष्ण का कथा, ब्रज लीला। बोले उनमें से क्या है? बोले गोपियों ने कृष्ण को जो प्रेम किया है यही वेदांत है। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज गौड़ीय वेदांत समिति, भक्ति वेदांत नारायण, भक्ति वेदांत बावन, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम, मतलब भक्ति वेदांत मतलब क्या? वेद का जो सार है भक्ति, और भक्ति का सार ब्रज भक्ति, और ब्रज भक्ति का जो सार है कहते गोपियों ने कृष्ण को जैसे प्रेम किया है, इसलिए भक्ति वेदांत मतलब होता है जो गोपियों की भाव को तरह जो उपासना करते हैं ये भक्ति वेदांत है। उन्होंने उसी सूत्र में दिखाया, फिर तो इनकी जय जयकार हो गया है, सारे संप्रदाय में इनकी जय जयकार हो गया। बाद में फिर मेरे गुरुदेव ने फिर 4 खंड रूप में ये वेदांत सूत्रों को निकाल करके हमारे अपना गुरुदेव अपना भाष्य उसके ऊपर लिखे है, भाष्य लिखे उसके ऊपर टीका लिखे, इसलिए यहीं पर उन्होंने ये सारे काम हुई थी, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि कार्तिक महीना में और भीष्म पंचकम समय में और ये सब स्थान पर आए और वृंदावन के जो असली असली जितने ठाकुर दर्शन किया। इसलिए अभी हम गंगा दर्शन करेंगे, गंगा स्वयं प्रकट हुई है, अगर जिनकी इच्छा होगी स्नान करने के लिए, लेकिन पानी गहरा है, देख लेना देख लेना, नहीं तो कम से कम आचमन लेना ठीक से, ठीक है।